अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आए हैं जी ब्लू वर्ल्ड सिटी। काफ़ी दिन से हम प्लान कर रहे थे, एक दोस्त ने इन्वेस्टमेंट करनी थी तो काफ़ी दिन से इसका प्लान कर रहे थे, लेकिन फाइनली आज फिर हम आ गए हैं। एंट्रेंस काफ़ी अच्छी दी है ब्लू वर्ल्ड ने, इसमें थोड़ा सा इन्होंने चाइनीज़ स्टाइल और थोड़ा सा तुर्किश स्टाइल को इन्होंने टच किया, बल्कि चाइनीज़ और तुर्किश फ्लैग भी डिस्प्ले किए, साथ में पाकिस्तान का फ्लैग भी डिस्प्ले है। ये तकरीबन हम इंटर होने लगे हैं इसमें ब्लू वर्ल्ड में, इसका मेन गेट है। डिस्टेंस की बात करें तो हम चक्र इंटरचेंज वाली साइड से आए, तकरीबन 9-10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और तकरीबन 12-15 मिनट हमें लग गए हैं। रोड की कंडीशन अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप बासानी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप पिंडी वाली साइड से अगर आएँ तो अडयाला रोड का इस्तेमाल करें तो तकरीबन ये 50 किलोमीटर बनता है, जो कि एक घंटा या 1 घंटा 10 मिनट तक आपको जो है ना यहाँ तक पहुँचने में दरकार होंगे। रोड्स की कंडीशन अंदर काफ़ी अच्छी है ब्लू वर्ल्ड के, काफ़ी वाइड रोड्स दिए हैं इन्होंने। ब्लू वर्ल्ड में दो काफ़ी बड़े हॉर्स मास्कोट्स बनाए गए हैं, ये स्टील के बने हुए हैं, और ब्लू वर्ल्ड का मानना ही है कि ये दुनिया के सबसे बड़े टालेस्ट हॉर्स मास्कोट्स हैं। हमने ओवरसीज़ ब्लॉक तक जाना था, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है तो मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ नहीं जा सके, लेकिन हमने दूर से खड़े होकर देख लिया ओवरसीज़ ब्लॉक का जो एरिया है वो। बाकी मैंने कुछ थोड़े बहुत शॉट्स लिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी इसकी मज़ीद कम्प्लीट डिटेल में तो नहीं जा सका मैं, लेकिन जो थोड़े बहुत मैंने वीडियोज़ बनाई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक साइड इसकी तकरीबन तैयार हो चुकी है, इसकी बेस में सेकंड कप कॉफ़ी ओपन हुई है, जबकि दूसरी साइड अभी इसकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी मज़े की थी, पीने के बाद हम वापसी के लिए निकल पड़े। वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय भी शामिल कीजिएगा, और जो लोग न्यू हैं चैनल पर काइंडली वो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जज़ाकअल्लाह।